जीके वीडियो में वॉइस ओवर कैसे करें। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, कल एक फ्रेंड का मैसेज था कि सर जीके वीडियो में वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम होता है, वॉइस ओवर करने में दिक्कत होता है, वॉइस सही से यहाँ पे कर नहीं पाते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो मैंने वॉइस ओवर किया है यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन का वॉइस बोलना है, इसके बाद में आपको ऑप्शन का वॉइस बोलना है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर स्टॉप हो जाना ऑप्शन डी पे, और यहाँ पर दोस्तों अपना टाइमर खत्म, टाइमर स्टार्ट होगा यहाँ पर अपना। जिस प्रकार से दोस्तों अपना टाइमर स्टार्ट होगा, यहाँ पर टाइमर अपना खत्म हो जाएगा, यहाँ पर अपना आंसर का वॉइस आ गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पे वॉइस ओवर कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा किस प्रकार से अपने को वॉइस ओवर करना है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन लगाना है। एकदम यहाँ पर देख रहे हो, मैंने पूरा एकदम बराबर बताया, यहाँ पर एकदम एडिटिंग किया, तो एकदम अच्छे से यहाँ पर एडिटिंग किया। दोस्तों, मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊँगा एकदम किस प्रकार से करना, बहुत ही सिंपल तरीके से आप जीके वीडियो बना सकते हो। वॉइस ओवर कैसे करना, टाइमर कहाँ से लेना, बैकग्राउंड कहाँ से लेना, पूरा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जिस प्रकार से फ्रेंड नए फ्रेंड रहते हैं, जीके का चैनल है, वीडियो नहीं बना पाते, वॉइस ओवर नहीं करा, वॉइस ओवर करने में दिक्कत होता है, ऑप्शन है वो बराबर नहीं लग पाता है, एनिमेशन सही नहीं डाल पाते, तो दोस्तों आपको पूरा इस वीडियो में आपको बता दूंगा किस प्रकार से आपको वॉइस ओवर करना है, किस प्रकार से आपको यहाँ पे ऑप्शन लगाना है, और दोस्तों जिस प्रकार से अपने एनिमेशन यहाँ पे डालते हैं ये सब कैसे लगाना है, कितना इसमें टाइमिंग रखना है, आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना है काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन। यहाँ पे दोस्तों आपको क्रिएट लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्रिएट न्यू लिखा है, इस पर आपको क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, 16x9 वाला आपको साइज सेलेक्ट करना है। अपने लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो ये साइज सेलेक्ट कर देना है, क्रिएट कर देना है, और क्रिएट करने के बाद में दोस्तों इमेज शीट पर जाके यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अपने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपने व्हाइट कलर का बैकग्राउंड लेंगे सिंपल। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने बैकग्राउंड ले लिया, एकदम सिंपल तरीका है दोस्तों। बैकग्राउंड लेने के बाद दोस्तों इस प्रकार से अपने इसका बैकग्राउंड का जो साइज़ है बड़ा करेंगे। तो यहाँ पे अपने कम से कम कर लिया, यहाँ पे 28 से 30 सेकंड कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एक वीडियो के लिए 25 से 30 सेकंड काफ़ी हो जाता है, तो यहाँ पे 30 सेकंड तक कर दिया, ओके कर देना है। ओके करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, लेयर वाले पर क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है, और टेक्स्ट में जाने के बाद में आपका जो भी क्वेश्चन रहता है यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपने क्वेश्चन पेस्ट कर दिया, ओके कर देना है। ओके करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर सब देख रहे हो, मैं एकदम एडिटिंग बताऊँगा, एकदम सिंपल तरीके से बताऊँगा आपको। यहाँ पे दोस्तों लाएंगे लेयर को, कलर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों अपने कलर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अपने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों एंड्रॉइड पे चले जाना है, और यहाँ पर आपको फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, रोबोट ऑफ ब्लैक वाला आपने फॉन्ट सेलेक्ट कर दिया है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर लगाना है क्यूज को। तो ये क्यूज अपने लगा दिया, लगाने के बाद में आपको इसका बैकग्राउंड जहाँ तक कर देना है, जहाँ तक अपना वाइट वाला बैकग्राउंड है, तो यहाँ तक अपना इसका बैकग्राउंड कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको इस पर एनिमेशन भी डालना है, इन एनिमेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर अलग अलग एनिमेशन देख रहे हो, यहाँ पे स्लाइड डाउन है, इस प्रकार से आपको एनिमेशन मिलेंगे, लेकिन जो एक एक अक्षर चलता है लेटर बाय लेटर वाला है, ये एनिमेशन आपको डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों स्पीड आपको इतना कर देना है, 2.5 तक आपको स्पीड यहाँ पर कर देना है। तो 2.5 तक स्पीड कर दिया, ओके कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो अपना क्वेश्चन यहाँ पर लग गया है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन लगाना है, इसके बाद में दोस्तों आपको ऑप्शन लेना है, तो आपको ऑप्शन कॉपी कर लेना है। तो चारों ऑप्शन अपने कॉपी कर लिया, यहाँ पर अपने पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको ऑप्शन डालना है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आगे आ जाना है, जिस प्रकार से यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद में आपको वापस लेयर वाले पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट में जाने के बाद में आपको ऑप्शन आपका जो भी यहाँ पर दोस्तों अपने को ऑप्शन यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ऑप्शन है सब आगे पीछे हो रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से स्पेस देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे बराबर हो जाएंगे सब ऑप्शन, तो ये अपना ऑप्शन हो गया। अभी अपने क्या करेंगे, इसमें स्पेस देंगे, तो जो अपना ऑप्शन ए बी है, तो इस प्रकार से देख रहे हो पूरा ऑप्शन यहाँ पे आगे पीछे हो रहा है, बराबर कर लेना आपको। तो इस प्रकार से अपने बराबर कर लिए, ओके कर देना है, ओके कर दिया। ओके करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है, लेने के बाद में आपको वापस वही कलर में जाना है, कलर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अपने रेड कलर सेलेक्ट करेंगे, तो रेड कलर सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हो इस प्रकार से लगा दिया। अभी दोस्तों देख रहे हो साइज आगे पीछे हो रहा है, तो आपको थोड़ा वापस यहाँ पे एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद में ऑप्शन बी वाला है, तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे एक स्पेस देंगे। ऑप्शन ए वाला है, तो इस पर भी आपको एक स्पेस दे देना है, इस प्रकार से। तो दोस्तों देख रहे हो अपना ऑप्शन यहाँ पर लग गया, ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर लग गया है। यहाँ पर लगने के बाद में दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर लगा देना है। फॉन्ट भी देख रहे हो दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो गया है, रोबोटो ब्लैक वाला भी रख सकते हो। यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट मिलता है आपको, जिस प्रकार से अपने रोबोटो मीडियम अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर थोड़े से कम दिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने रोबोटो मीडियम यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद में इस प्रकार से वापस बैकग्राउंड को, जो क्वेश्चन वाला जो अपना ऑप्शन वाला है, इसका बैकग्राउंड यहाँ तक लास्ट तक कर देना है।
करने के बाद में दोस्तों आपको इसमें भी एनिमेशन डालना है, तो इन एनिमेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, वाइप लेफ्ट, वाइप अप, वाइप डाउन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो वाइप डाउन वाला आपको एनिमेशन डालना है। स्पीड आपको कम कर देना है, यहाँ पर कम से कम 6.5 तक आप कर सकते हो यहाँ पर स्पीड इतना, या 7 भी कर सकते हो क्योंकि अपने वॉइस ओवर के हिसाब से यहाँ पर 7 तक आपको कर देना है। तो दोस्तों अभी देख रहे हो मैं बताऊंगा आपको वॉइस ओवर कैसे करना है। तो दोस्तों आपको वॉइस ओवर कैसे करना है, इसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों कल फ्रेंड का एक मैसेज था कि सर वॉइस डालने में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से वॉइस ओवर करना है आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख रहे हो अपना क्वेश्चन लगी है, यहाँ पर अपना ऑप्शन लगी है। तो अभी दोस्तों अपने वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का वॉइस बोलना है, इसके बाद में आपको ऑप्शन का वॉइस बोलना है और स्टॉप हो जाना है। स्टॉप होने के बाद में दोस्तों आपको 5 सेकेंड का एक टाइमर लगाना है और इसके बाद में अपने आंसर का वॉइस यहाँ पे बोलेंगे। तो दोस्तों अपने वॉइस स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पे वॉइस ओवर करना है। तो रिकॉर्डिंग वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट कर देंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों देख रहे हो मैंने ऑप्शन डी बोला, यहाँ पे अपने वॉइस स्टॉप कर दिया है, तो स्टॉप हो गए। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, एकदम यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ जाना और यहाँ पे टाइमर सेलेक्ट कर लेना है 5 सेकंड वाला। तो वापस लेयर वाले पे क्लिक करेंगे, मीडिया में से आपको टाइमर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे हो अपने 5 सेकंड का यहाँ पर टाइमर सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों ये टेलीग्राम पर आपको तो दोस्तों इस प्रकार का टाइमर है, ये भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे है। इस प्रकार का बैकग्राउंड है, इस प्रकार का टाइमर है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो दोस्तों अपने टाइमर सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद भी दोस्तों इस प्रकार से देख रहे हो अपना टाइमर यहाँ पे चलेगा 5 सेकंड तक। जिस प्रकार से अपना टाइमर यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पर आपको वापस रिकॉर्डिंग वाले पे क्लिक करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ओके आगे आ जाना, रिकॉर्डिंग वाले पे क्लिक करना है और जो भी आपका आंसर है वो आपको यहाँ पर बोल देना है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने स्टार्ट करेंगे, आंसर बोलना है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों देख सकते हो अपने यहाँ पे आंसर का वॉइस भी यहाँ पे बोल दिया है, लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एनिमेशन डाल देना है। जो भी अपना आंसर रहता है तो इसमें अपने एनिमेशन डाल देंगे, जो कि अपना ऑप्शन डी वाला आंसर है। तो यहाँ पर अपने लेयर वाले पे क्लिक करेंगे, हैंड राइटिंग में चले जाना है। हैंड राइटिंग में जाने के बाद भी दोस्तों आपको पेंसिल सेलेक्ट यहाँ पर पेंसिल वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देख रहे हो यहाँ पर ये वाला पट्टी है, यहाँ पर आपको दिखाऊँगा मैं ये वाला पट्टी, तो इस पर अपने टैप करेंगे, टैप कर लेना है। वापस इधर कलर वाले पर सेलेक्ट करना है और यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, तो ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया ब्लू। कलर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको अंगुली से इस प्रकार से करना है स्क्रॉल। स्क्रॉल करोगे दोस्तों इस प्रकार का एक पट्टी बन जाएगा, यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये पट्टी बना ली, अभी दोस्तों इस प्रकार से आप आगे पीछे इसको एडिट भी कर सकते हो आसानी से, छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो इतना कर लिया, यहाँ पर करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें आपको एनिमेशन डाल देना है। इन एनिमेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर दोस्तों एनिमेशन डाल देना है। तो यहाँ पर ड्राई इन ऑर्डर लिखा है, ये वाला एनिमेशन आपको डाल देना है, ओके कर देना है। तो दोस्तों जिस प्रकार से अपना आंसर का वॉइस आएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये पट्टी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो दोस्तों अभी भी आपको पूरा प्ले करके दिखाता हूँ आपके सामने किस प्रकार से मैंने वॉइस बोला था और किस प्रकार से यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुआ है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से करोगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा वॉइस ओवर करने में। तो इस प्रकार से आपको करना है और एकदम खुल के बोलना है दोस्तों। अगर आप खुल के बोलोगे तो यहाँ पर आपका वॉइस एकदम ऑटोमेटिक अच्छे से यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको प्ले करता हूँ अभी, किस प्रकार से आपको यहाँ पर किस प्रकार से अपनी वॉइस यहाँ पर आ रही है। आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा किस प्रकार से अपनी वॉइस चल रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से वॉइस ओवर कर सकते हो आप अपना। तो यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों सबसे पहले अपने क्वेश्चन लगाएंगे, ऑप्शन लगाएंगे और इसके बाद में आपको वॉइस रिकॉर्डिंग कर देना, एकदम सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ पढ़ना है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो अपना आंसर डाला और आंसर में अपने एनिमेशन भी यहाँ पर डाल दिए। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, अभी आपने एडिट करेंगे तो सेकेंड वाला बन जाएगा। दोस्तों मैंने इस प्रकार का कई वीडियो बना दिया है जिससे आप 5 वीडियो 10 वीडियो आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों कल एक फ्रेंड का मैसेज था कि सर वॉइस ओवर करने में दिक्कत होता है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से वॉइस ओवर कर सकते हो इस वीडियो में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से वॉइस ओवर कर सकते हो जीके वीडियो में, मैंने बता दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लेना है, बैकग्राउंड लेना है, टाइमर लेना है और आपको वीडियो बनाना है। तो दोस्तों बनाने के बाद में आपको सिंपल सा एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे ऊपर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों सेव एज वीडियो लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद भी दोस्तों आप यूट्यूब पर आसानी से अपलोड कर सकते हो।
तो दोस्तों मैंने पूरा बता दिया है आपको किस प्रकार से वॉइस ओवर करना है। अगर आपको और भी नहीं समझ में तो मुझे कमेंट करना, मैं दूसरा वीडियो में आपको और बताऊंगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से नए फ्रेंड रहते हैं, नया चैनल रहता है, उनको मालूम नहीं होता है किस प्रकार से वॉइस ओवर करना रहता है, तो दोस्तों आप एकदम सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। अगर वीडियो देख लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू, जय हिंद।